Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hazur, وعليكم السلام. मेरा नाम है गुल्लू अहमद, मेरा अब्बू का नाम है मसील अहमद. मेरा पहला सवाल है, आप चीनी हैं? नहीं, चीनी खून है आप में? नहीं. आपकी शक्ल से लग रहा है. नहीं, मैं कजाकिस्तान से आई हूँ. हैं? कजाकिस्तान से आई हूँ. कहाँ से? कजाकिस्तान? वो एक ही बात हो, वो रशिया से. कजाकिस्तान से मिलते हैं लोग इस चीज से. तो आप उर्दू थोड़ी अच्छी बोल रही हैं. पैदा कहाँ हुई थी? कजाकिस्तान. कजाकिस्तान से पहले. कजाकिस्तान? और उसके बावजूद बड़ी अच्छी उर्दू आ गई है आपको? नहीं, मैंने पाकिस्तान जाई थी. पाकिस्तान रहकर सीखी है? दो महीने में सिर्फ? जी, दो महीने में सीख ली है. जी, बड़ी जहीन बच्ची हैं आप. शाकला, मेरा पहला सवाल है कि क्या हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को कभी किसी शरारत करने पर किसी किस्मत की कोई सज़ा दी है? हाँ, ये सवाल जो है बड़ा अहम है. हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने गालबन एक मौके पर सज़ा दी थी, जबकि उनसे कुरान करीम गिर गया या इस किस्म का वाक़ याद है तुम्हें? फायदा हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने सज़ा बच्चे को दी अपने कुरान करीम. इस किस्म का वाकया है जो मुझे पूरा याद नहीं है, ना मेरी बेटी को याद है, मगर सजा दी है कुरान से ताल्लुक में. यानी कुरान की एक किस्म की गैर इरादी तौर पर गुस्ताखी हो गई थी, उस पर सजा दी है, वरना अपने बच्चों को आप सजा नहीं दिया करते थे. एक दफ़ा हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का कीमती मुसव्वदा था, किताब लिख रहे थे, उसमें बहुत से कीमती कागजात हाथ से लिखे हुए थे. मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब, मिर्ज़ा महमूद अहमद साहब ने वो जला दिया, तो गुस्सा तो आना चाहिए था, इससे मार भी पड़नी चाहिए थी. तो आपने फरमाया कोई बात नहीं, अल्लाह ताला इससे बेहतर लिखने की तौफीक अता फरमाएगा.